कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को. नेक्स्ट टॉपिक इज लैक्टेशन. लैक्टेशन मीन्स मिल्क की प्रोडक्शन का होना. आफ्टर बर्थ जब बेबी बाहर आ जाता है तो उसके लिए मिल्क की प्रोडक्शन होती है मदर के अंदर. सिंथेसिस सिक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क, उसके लिए टर्म्स करते हैं लैक्टेशन. द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है तो उस टाइम पर एस्ट्रोजन एंड प्रोग्रेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बिल्कुल धीरे धीरे कम होने लगता है. इसी वजह से अब प्रोडक्शन होती है मिल्क की. टू मेन फेज, मिल्क सिक्रीशन एंड मिल्क इंजेक्शन. मेनली लैक्टेशन पीरियड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट मिल्क सिक्रीशन, दूसरा मिल्क इंजेक्शन. पहले हम पढ़ेंगे मिल्क सिक्रीशन. बाय एवल्यूलर एपिथेलियम ऑफ मेमरी ग्लैंड. मेमरी ग्लैंड के थ्रू मिल्क बॉडी से बाहर आता है डक्ट सिस्टम के थ्रू. डक्ट सिस्टम आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत सारे पाइपलाइक स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, जब बच्चा निप्पल को प्रेस करता है तो उस पाइपलाइक स्ट्रक्चर से मिल्क बच्चे के मुंह तक पहुंचता है. इसलिए उन्होंने कहा बाय एवल्यूलर एपिथेलियम ऑफ मेमरी ग्लैंड. किसके थ्रू? डक्ट सिस्टम के थ्रू. मेनली हार्मोन मिल्क की प्रोडक्शन करता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन. ये प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से आता है? एडिनो हाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, कहाँ से आ रहा है ये वाला हार्मोन? एडिनो हाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. कब आता है? डिक्रीज इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन आफ्टर द चाइल्ड बर्थ. जब बच्चे का जन्म हो जाता है उस टाइम के बाद प्रेगनेंसी खत्म हो गई है तो एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन दोनों का लेवल बॉडी के अंदर कम होने लगता है. तब पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन रिलीज होता है. फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, मिल्क की फॉर्मेशन हो गई जिसे हम टर्म यूज करते हैं लैक्टोजेनेसिस. ठीक है, एक और टर्म है लैक्टोपोएसिस. लैक्टोपोएसिस मतलब मेंटेन रखना. इज द मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सिक्रीशन. ये मिल्क की सिक्रीशन को मेंटेन रखता है. इट रेगुलेट बाय अ नंबर ऑफ हार्मोनल फैक्टर. कोई एक हार्मोन यहाँ पे काम नहीं कर रहा, बहुत सारे हार्मोन के थ्रू उस चीज को मेंटेन रखा जाता है. जैसे ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन एंड कॉर्टिसोल हार्मोन. ठीक है, विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू सिक्रीट प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर. एक्चुअल में ये जो लेवल है किस तरह से मेंटेन रखा जाता है, स्टिमुलेट होता है हाइपोथैलेमस से कौन सा? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर. ठीक है, विच स्टिमुलेट इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ द प्रोलैक्टिन, जो कि फर्दर इंक्रीज करता है किसका सिक्रीशन? प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन को इंक्रीज करता है और फिर वापस फॉर्मेशन होती है. जैसे लेवल अप कम होने लगता है फिर दोबारा से वो सिक्रीट होने लगता है. तो इस तरह से ये फैक्टर क्या करता है, उस चीज को मेंटेन रखने में हेल्प करता है. पहला हो गया हमारा मिल्क सिक्रीशन. नेक्स्ट है मिल्क इजेक्शन. मिल्क इजेक्शन का मतलब है डिस्चार्ज, मिल्क का बॉडी से बाहर. डिस्चार्ज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मैमेरियल ग्लैंड. ठीक है, मेनली यहाँ पर वही दो हार्मोन है हमारे, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन. वही क्या कर रहा है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है जिसकी वजह से मिल्क मेमरी ग्लैंड से बेबी के मुंह तक पहुंचता है. ठीक है, फोर्सफुली कंट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथेलियल सेल प्रेजेंट अराउंड द एवल्यूई ऑफ द मेमरी ग्लैंड. मेमरी ग्लैंड के चारों तरफ एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसका नाम क्या है? मायो एपिथेलियल सेल. ठीक है, उसमें यही ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, फोर्सफुली कॉन्ट्रेक्शन करता है जिसकी वजह से मिल्क मदर से बेबी के मुंह में पहुंचता है. ठीक है, अभी कंटिन्यू करेंगे, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं.